हेलो फ्रेंड्स, आई एम कोमल एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ हाउस ऑफ कलाकृति। मेरे घर पे बहुत सारे प्लांट्स हैं और मुझे वो घर पे रखना बहुत ही पसंद है। सिर्फ उसके जो पॉट है, वो जो डल दिखते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना उस पॉट को मेकओवर किया जाए। कोई भी प्लास्टिक और मिट्टी का पॉट पेंट करने के लिए ऑयल बेस्ड पेंट यूज़ करना चाहिए, जैसे कि इनामल पेंट है, पर सभी के पास इनामल पेंट अवेलेबल नहीं होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक्रेलिक कलर से पॉट पेंट किए जाए। एक्रेलिक पेंट सबके घर पे अवेलेबल होता है और इजीली बाज़ार में मिल जाता है। तो आज 5 पॉट पेंटिंग के आइडियाज़, जो कि इजी है बहुत, वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सभी पॉट क्लीन करके लिए हैं। मैं यहाँ ब्लू एक्रेलिक कलर को स्पंज के हेल्प से पॉट के ऊपर के साइड लगाऊंगी। प्लास्टिक को कभी भी पेंट करते टाइम हमेशा स्पंज से ही करना चाहिए। यहाँ ब्रश यूज करेंगे, कलर अच्छे से बैठता भी नहीं है और ब्रश के मार्क्स भी आते हैं। ब्लू ये एक डार्क कलर है, इसलिए एक कोट ही काफ़ी है, पर मैंने यहाँ 2 कोट किए हैं। उसके बाद व्हाइट कलर से अल्टरनेट ट्रायंगल ड्रॉ करूँगी। अगर आपको ब्रश से पेंट करना मुश्किल लगता है तो बाज़ार में व्हाइट मार्कर आते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। उससे आपको पेंट करना और ड्रॉ करना इजीली हो जाएगा। और हमारा ये फर्स्ट पॉट रेडी हो गया। सेकेंड पॉट पेंटिंग के लिए मैं येलो और ब्लू कलर यूज करूंगी। पहले मैं डिजाइन की आउटलाइन ड्रॉ करके लेने वाली हूँ। यहाँ मैं डायरेक्टली ब्रश से आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहिए तो चॉक और व्हाइट पेंसिल से मार्क करके लेंगे तो वो इजी हो जाएगा। यहाँ मैं सेम मेथड से पूरे पॉट को येलो कलर से पेंट करूँगी। जब भी आप लाइटर कलर यूज करते हो ब्लैक पॉट को पेंट करने के लिए, तब पेंट करते टाइम पहला कोट व्हाइट कलर का कीजिए और उसके बाद जो एक्चुअल कलर लगाना है वो आप कीजिए। तो सिर्फ 2 कोट काफ़ी होते हैं। मेरे पास व्हाइट एक्रेलिक कलर बहुत ही कम अवेलेबल था, इसलिए मैं यहाँ 2 कोट स्पंज से और एक आउटलाइन फिनिशिंग करने के लिए 1 कोट ब्रश से कर रही हूँ। डिज़ाइन करने के लिए अब मैं ब्रश से पोल्का डॉट करूँगी। इसके लिए आप कोई भी पेन, ब्रश और पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फैंसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। सेम डॉट मैं ब्लू कलर से करूँगी। एंड ये सेकेंड प्लांटर भी हमारा रेडी हो गया है। ये बहुत ही इजी एंड क्विक पॉट पेंटिंग आइडिया है। थर्ड प्लांटर को पेंट करने के लिए मैं ऑरेंज कलर यूज करने वाली हूँ। ऊपर के साइड मुझे ऑरेंज कलर करना है, इसलिए मैं आउटलाइन करके लूंगी। यहाँ भी सेम मैं ऑरेंज कलर के 2 से 3 कोट करूँगी।
यहाँ मैंने दो कोट स्पंज से किए हैं और थर्ड जो कोट है वो ब्रश से कर रही हूँ। और आप देख सकते हो कि पॉट पे कितने अच्छे से कलर लगा है। अब बचे हुए पॉट को ब्लैक एक्रेलिक कलर से पेंट करूंगी। और लास्ट में व्हाइट कलर से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगी, उसी से ही बॉर्डर भी करूंगी। आपको सभी में से कौन सा पॉट ज़्यादा पसंद आया और कौन सी डिज़ाइन पसंद आई ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये भी प्लास्टिक का ही पॉट है, सिर्फ कलर के वजह से ही मिट्टी का दिखता है। तो इसे पेंट करने के लिए हमें सिर्फ व्हाइट एक्रेलिक कलर और मास्किंग टेप चाहिए। इसे पेंट करना बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले मैं टेप से कुछ पैटर्न्स तैयार करके लूंगी। और उसके बाद जो बीच दो मास्किंग टेप के बीच में जो स्पेस है उसे उसमें व्हाइट एक्रेलिक कलर से पेंट करूंगी। ये फोर्क प्लांटर मेरा बहुत ही फेवरेट है। ऐसे ब्राउन पॉट पे वारली पेंटिंग बहुत ही अच्छा दिखता है। ये ऑलरेडी मैंने एक साल पहले किया था। वारली आर्ट महाराष्ट्र का एक फेमस ट्राइबल आर्ट फॉर्म है। इसके पैटर्न्स ड्रॉ करना इजी एंड सिंपल है और दिखने में भी बहुत ही सुंदर दिखते हैं। ये आर्ट फॉर्म मेरा बहुत ही फेवरेट है। आप पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वुड वॉर्निश यूज कर सकते हैं जो कि हार्डवेयर शॉप में मिलता है। मेरे सभी इंडोर प्लांट्स है इसलिए मैंने यहाँ पे वॉर्निश यूज नहीं किया है। हियर इज माई प्लांट कॉर्नर, आई थिंक इट लुक्स ब्यूटिफुल। ऐसे सिंपल तरीकों से आप आपके घर को डेकोरेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसे लगा वो मुझे ज़रूर बता देना। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मिलते हैं अगले हफ्ते ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय, लिव योर ड्रीम्स।